पूरा नहीं हुआ है, छठी क्लास तो हुआ है, उसने फिर से अपने बच्चों में भारतीयता जागे से वो रहो इसका प्रावधान किया गया। राइट, परंतु शिक्षा तो इस तंबू को तान के खड़ा रखने वाला एक तनावा है, तीन तनावे को समाज है, घर है और शिक्षक। वो अगर सोचते हैं कि पाठ्यक्रम चाहे जो हम तो हमारे बच्चे को हमारा ही बनाएंगे, पराया नहीं बनने देंगे, वो कौन सी बात है। अपने घरों में हम अपने बच्चों को कहानियां बताएं अपनी परंपरा को, अपने परंपरा के अनुसार उनको जीवन का लक्ष्य दे। घर में 8 साल की आयु होने तक बच्चा अपने प्रवृत्ति को घर के बड़ों को देख के बनाता है, वो प्रवृत्ति बदलती नहीं, बाकी ट्रेनिंग कुछ भी होती है, बाल मानस शास्त्र कहते हैं। तो उस समय अगर उसको ये मिल गया कि देखो भाई उसको जितना कर्तृत्व है उतना कमाओ, दोनों हाथों से कमाओ, लेकिन अपने लिए मत कमाओ, स्वयं के लिए, अपनों के लिए कमाओ, कितना कमाते हो इससे तुम्हारा नाम नहीं है, कितना बांटते हो इससे तुम्हारा नाम हो। ये हम उसको बताएं, हम उसको बताएं कि मनुष्य अपने स्वत्व पर खड़ा होता है तब उसकी कुटिलता है। गधा अगर शेर का चमड़ा लेके हमारे सामने आया और गुर्राने लगा तो हम क्या करेंगे, हम तालियां पिटेंगे, बहुत अच्छा नकलची है, वाह वाह रे, बड़ा बड़ा बुद्धिमान गधा है, ऐसा कहेंगे। लेकिन गधे की प्रतिष्ठा नहीं होती। सर्कस में हाथी साइकिल चलाता है या फुटबॉल खेलता है, हम पैसा देकर टिकट खरीद के देखने जाते हैं, लेकिन हाथी वो है क्या, जंगल का हाथी आता है, उसकी धाक भी नहीं। ऐसे दुनिया में जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं उनकी प्रतीक्षा रहती है, अपने बच्चों को बताएं तो दुनिया भर का ज्ञान सीखेंगे, दुनिया भर की भाषाएं सीखेंगे, लेकिन अपनी मातृभाषा को कभी नहीं भूलेंगे, अपनी मातृभाषा अपने घर में चलती रहे। आज तो अपने घरों में भी बच्चों को हिंदी में गिनती करना, असमिया में गिनती करना नहीं आता है। आजकल हमको शाखा में समस्या हो रही, गिनती करने के खेल होते हैं, उसमें बच्चे आते तो हमको कहेंगे उनको गिनती सिखानी पड़े, बाद में आते हैं। ये हमारे करने की बात है, महाराज जी की सारी बातें मैं पहुंचाने वाला हूं, क्योंकि वहां जो लोग बैठे हैं वो आध्यात्मिक महापुरुषों की महत्ता को जानने वाले लोग हैं, वो उसका विचार जरूर करेंगे, अपनी ताकत के अनुसार कितना कर सकते करेंगे, परंतु वो परमानेंट तब होगा जब हम लोग उसका आचरण। तो मैं आपको अभिवचन देता हूं कि ये बातें पहुंचाऊ, लेकिन मैं आपको एक अनुरोध भी करता हूं, आज आप संकल्प लीजिए। चौमासे में महाराज जी आए, उन्होंने अनेक बातें बताई होंगी, अनेक बातें आगे भी बताई, वो एक त्यागी महापुरुष का उपदेश है, उनको लेना देना कुछ नहीं है, उनको इस दुनिया में कुछ पाना नहीं, जो पाना था उन्होंने पा लिया, जो पाने से सब मिल पाया। अब वो ये सब क्यों करते हैं, आप लोग भी आगे चलकर इसको पाए, तो उनके शब्दों की अनदेखी मत करना, उस पर स्वयं को, स्वयं के परिवार को, समाज में जितना अपना प्रभाव है उस सामाजिक क्षेत्र को और हमारे व्यावसायिक जीवन में उसका आचरण करने का संकल्प हम करें। तो आपकी ये इच्छा है और आपकी बाकी सभी इच्छा है, जो मंगल हवई मंगलम, ये पंक्ति पहले पंचनमों का करते हैं, नमन करते है ना, अर्यंत को नमन करते हैं, सिद्धों को नमन करते हैं, आर्यों को नमन करते हैं, उपाध्यायों को नमन करते हैं, दुनिया के जो प्रतिष्ठित साहू हुए उनको नमस्कार करते हैं।
ये नमन करने से होता है, केवल हर जोड़ना नहीं होता, केवल हर जोड़ना नहीं होता, जिनको नमन करते हैं उनके जैसे बनने का प्रयास करना, उनके जैसा इस जीवन में बनेंगे ऐसा नहीं, लेकिन उनके जैसा 10 कदम भी आगे गए आप, तो हमारे आज के जीवन में कितनी बड़ी प्रगति होगी ये आपको पता है। उस प्रगति पथ पर चलना आप प्रारंभ करें, इतना एक अनुरोध मैं करता हूँ नम्रता पूर्वक। और कुछ कहने सुनने में उल्टा सीधा हो गया तो आचार्य के प्रति क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा दिन का प्रारंभ मैंने आज कर दिया, आपको भी पहला क्षमा का मानता हूँ। और मेरे इतिहास आदरणीय आप लोग जाएंगे नहीं, अभी हम लोग 5 साहब ने बहुत अच्छी बात कही, अभी राखी हम यहाँ से देंगे, अभी हमारे भगवान गुरु जी से मैं बात करके बात मानता हूँ। अब तब तक यहाँ बैठेंगे, जो चर्चा हो आप अपने बीजी शेड्यूल से यहाँ समय निकाल के यहाँ पधारे। श्री सकल जैन समाज आपका बहुत बहुत आभारी है और आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।